आज हम अपने प्रोग्राम मिशन नारी शक्ति में आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जो एक पेशे से डॉक्टर हैं और अपनी फैमिली को भी वो बखूबी संभालती हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रिया मिश्रा जी की, जो हमारे प्रोग्राम में मौजूद है बात करने के लिए। मैम नमस्ते, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर प्रिया मिश्रा हूँ। मैं बिलासपुर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा एक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है जिसका नाम श्री सिद्धिविनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है, और मैं यहाँ पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ बिलासपुर में। मैम जैसा कि आप बता रही हैं आपका ये टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है, तो आज के देखा जाए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं बच्चे को लेके, जिनके नहीं हो पाते, काफी साल हो जाते हैं शादी को लेके, तो इसको कैसे मतलब उनको मिल पाए बेबी, इसके लिए क्या प्रोसेस रहता है? हमारा जो सेंटर है वो डेडिकेटली इसी पर काम करता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके कारण आजकल लेट प्रेगनेंसीज हो रही हैं, लोग लेट शादी करते हैं, थोड़े स्ट्रेस फैक्टर रहते हैं, जॉब सिक्योरिटी या करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा लेट प्लान करते हैं, और उसके आगे चलते प्रेगनेंसी होने में भी डिफिकल्टी होती है। इसके अलावा भी बहुत कारण होते हैं। तो किस प्रकार के पेशेंट को कैसी क्या तकलीफ है और किस प्रकार की समस्या का क्या समाधान है, उस हिसाब से उन्हें काउंसलिंग की जाती है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। मैम ज्यादातर देखा जाता है कि काफी टाइम हो जाता है जैसे मैरिज को, 6 साल 10 साल, उसके बाद वो लोग मतलब बहुत ज्यादा फिर ध्यान देते हैं कि हमें अब नहीं टेस्ट ट्यूब बेबी का करना चाहिए। तो कितनी जल्दी मतलब अगर बेबी नहीं उनके हो रहा है तो किस टाइम पीरियड में वो अपना ये करवा सकते हैं? यूजुअली कहा जाता है कि आप यदि 1 साल आपकी शादी को हो गए हैं, आप हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, यदि आपने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की है और प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होती है, देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। और ये एज यदि मान लीजिए आपकी 35 फीमेल की और 40 ईयर्स मेल की ज्यादा है 40 ईयर्स से, तो आपको 6 महीने में ही कंसल्टेशन लेनी चाहिए। एज के अलावा और भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है जो मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है महिलाएं? महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो एज फैक्टर होता है, दूसरा आजकल हम बहुत कॉमनली पीसीओडी की समस्या देखते हैं। इसके अगेंस्ट हम लो ओवेरियन रिजर्व या अंडे नहीं बन पाने की या अंडे बनने की क्षमता कम होने की समस्या देखते हैं, गर्भ नली या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने की समस्या देखते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में भी आते हैं जिनमें हमको कोई रीजन मिलता नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा वर्कअप करने पर सफलता जरूर मिल जाती है। जैसे कि मैम आप पेशे से एक डॉक्टर हैं और साथ में आपकी फैमिली भी है, तो दोनों को कैसे तालमेल बैठाती हैं, कैसे समय देती हैं? देखिए, मुझे लगता है कोई भी मैं डॉक्टर हूँ ये अलग चीज है, लेकिन कभी भी कोई भी महिला जो वर्किंग होती है उसके लिए बैलेंसिंग बहुत जरूरी होती है। तो ये वी हैव टू प्रायोरिटाइज अवर वर्क एंड फैमिली अपार्ट, कि हाँ हमें कब हम अपना टाइम बच्चों के लिए और परिवार के लिए रखना है और कौन से टाइम हमें डेडिकेटली अपने काम को करना है। तो बहुत मैनेज करके करने से हो जाता है। मुझे लगता है मैं ही नहीं, बहुत सारी फील्ड होती है जैसे पुलिस वाले होते हैं या फिर कोई टीचर भी होती है जिनका फिक्स आवर ड्यूटी होती है, तो समस्याएं तो हर नारी के साथ होती है जो वर्किंग है, बट हाँ सभी तालमेल करके बैठते हैं और अपना परिवार चलाते हैं अच्छे से। जैसा कि आपने कहा कि तालमेल बैठाल के मतलब दोनों चीजें मैनेज करते हैं, क्या ऐसा कभी टाइम आया है कि आपको एक ही टाइम पे दोनों चीजें ही देखनी है? बहुत बार मेरे बच्चों का बर्थडे होता है और यहाँ कोई इमरजेंसी केसेस आ जाते हैं तो मुझे उनकी पार्टी छोड़ के आनी पड़ती है। कई बार घर के फंक्शन को नहीं देखना के बदले हॉस्पिटल आती हूँ, तो ठीक है फैमिली सपोर्टिंग है, समझदार रहते हैं सबकी, यहाँ काम इम्पोर्टेंट है और हमारा काम ऐसा है कि हम उसे टाल नहीं सकते। हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि पेशेंट का की इमरजेंसी पहले डील होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से कर लेते हैं। और बहुत बार जब ऐसा लगता है कि हाँ ये काम को बाद में किया जा सकता है, तो परिवार के लिए समय ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैम जैसा कि आप गायनो हैं, तो अगर देखा जाए तो पीरियड्स के टाइम पे भी जो लड़कियां मतलब जिनकी एज हो जाती है, जो लेट पीरियड होता है, अगर कहा जाए तो काफी टाइम तक उनको मतलब स्टार्टिंग में आता है, क्योंकि मैंने भी देखा है लगभग अगर स्टार्टिंग उनकी हो जाए तो 15 से 20 दिन हो जाता है, उनका कंटिन्यू आता ही रहता है। तो कैसे इस मतलब इससे क्या कोई उनको बीमारी हो सकती है क्या, फिर ये ऐसी चीजें होती हैं? ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, डिसबैलेंस वाला प्रॉब्लम होता है जो आजकल पीसीओडी या कुछ थायराइड की समस्या में दिखता है। तो बेसिकली इसका वर्कअप होता है कि क्या क्या कारण है, किस प्रकार की समस्या, और उसको डायग्नोसिस करके ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे अपना ख्याल रखें? गर्भवती महिलाओं के लिए तो आजकल सरकार ने भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। प्लस यदि आप हॉस्पिटल आ सकते हैं तो आपको प्रति मास, प्रति मंथ, हर मंथ, एवरी मंथ यू शुड गेट अ चेकअप,
आपको हर महीने एक चेकअप कराना चाहिए, अपने टीके सही समय पे लगवाना चाहिए, अपनी मेडिसिन सही टाइम पर खाना चाहिए, बीच बीच में सोनोग्राफी भी करवानी चाहिए, और डाइट को लेके कॉन्शियस रहें, अच्छे से पूरा न्यूट्रिशन खाना खाएं, प्लस साथ में बहुत आराम करने की जरूरत नहीं होती, आप अपना काम भी करना चाहिए जब तक अनलेस और अंटिल कोई इंडिकेशन नहीं है बेड रेस्ट का। मैम, जैसा कि टेस्ट ट्यूब बेबी आपका सेंटर है, तो क्या ये इसके अलावा और भी मतलब और भी ब्रांचेस हैं? और आपको देखा मतलब देखा गया क्या जो मिडिल क्लास या लो क्लास के रहते हैं वो ये ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, तो क्या इसका कुछ और भी ऑप्शंस हैं? हर पेशेंट टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए नहीं होता है। सिंपल ओव्यूलेशन इंडक्शन, IUI, और साथ में उसके बाद IVF का ऑप्शन होता है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया बहुत आसान, बहुत सुरक्षित हो गई है, तो जहाँ तक होता है पेशेंट करवा लेते हैं। जब यदि ऐसा लगता है कि हाँ प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो पेशेंट आजकल बहुत अवेयर हो गए हैं, पहले जैसा नहीं रह गया। कितना टाइम लगता है इसको करवाने में? कितने मतलब जो इसका जो प्रोसेस रहता है, इसका क्या टाइम पीरियड रहता है? ये 10 से 15 दिन का ओव्यूलेशन इंडक्शन का पीरियड होता है, और उसके बाद फिर हम एम्ब्रियो फॉर्मेशन करते हैं। लगभग 1 महीने की ही पूरी प्रक्रिया होती है थ्रू एंड थ्रू। यदि मान लीजिए कभी कभी हम फ्रोजन एम्ब्रियो में जा रहे हैं तो उसे 1 महीने आगे ही करते हैं, लेकिन ओवरऑल ये 1 या 2 या 3 महीने से ज्यादा प्रोसेस नहीं है। मैम, एक मतलब ज्यादातर देखा गया है कि जो टेस्ट बेबी रहते हैं उनको ट्विंस होते हैं, तो क्या ये भी ऐसा है? हाँ जनरली किसी भी प्रकार के ओव्यूलेशन इंडक्शन या IVF बेबी में ट्विंस होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन ट्विंस ही हो ये जरूरी नहीं है। बट आजकल के जो प्रोटोकॉल्स आ गए हैं उसमें हम एक एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, तो जिससे सिंगलटन प्रेगनेंसी होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। लगभग मैम इसमें कितना खर्चा आता है? पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन होता है, लेकिन लगभग 1 से 1.5 लाख के अंदर पूरी प्रक्रिया हो जाती है। मैम, आपके सेंटर में जो प्रोसेस होता है, जो आते हैं पेशेंट, उनको आप मतलब किस तरह से प्रोसेस देती हैं? पहले तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि वो किस प्रकार की समस्या है, उनके अंडे बन भी रहे हैं कि हस्बैंड के शुक्राणु हैं कि नहीं है, उन्हें डोनर के लिए तो नहीं जाना पड़ेगा, उनका बच्चेदानी का कैसा है, सब कुछ स्वस्थ है कि नहीं। ये अलग अलग पेशेंट में बहुत अलग अलग वेरिएशन होता है, तो पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन करके हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं सबको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने के लिए एडवाइस करना चाहूंगी कि प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, खाना अच्छा खाएं, भरपूर नींद लें, कभी भी कोई भी छोटी मोटी समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह लें। बस थैंक यू थैंक सो मच मैम हमसे खास बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर प्रिया मिश्रा जी, जिन्होंने हमें बताया कि जो गर्भवती महिलाएं वो अपना ख्याल कैसे रखें, और टेस्ट ट्यूब बेबी जो लोग मतलब नहीं माँ बन पाती हैं वो कैसे इसको अपनाएं। तब तक लिए अगर आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं तो इसको जरूर फॉलो कीजिए। जो मैम ने चीजें बताई हैं उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वी न्यूज, मनु तिवारी, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।